हेलो गाइस, वेलकम बैक। और मैं कल मतलब कल भी सोच रही थी कि मैं कोई व्लॉग डालूं, वीडियो डालूं, बट मन ही नहीं किया था। फिर सोचा अभी इस वक्त 11:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी कोई छोटा सा व्लॉग डालती हूँ। एक्चुअली अभी घर में बातें चल रही थी, कीर्तिका का बर्थडे आ रहा है, जो मेरी भतीजी है ना, उसका बर्थडे, पहला बर्थडे है उसका। तो मेरे भाई ने सोचा था कि बहुत अच्छे से मनाएंगे उसका पहला बर्थडे कीर्तिका का, लेकिन इतनी टेंशन चल रही है ना। मैं नहीं चाहती ऑनेस्टली बताऊँ तो कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, मेरा मन नहीं है। मम्मी को बोला कि मम्मी मत मनाओ, मम्मी तो हाँ बोल रही है कि ठीक है, नहीं मनाते। सचिन का पता नहीं, उससे भी मैंने बात नहीं करी है, बट छोटा मोटा मतलब केक वगैरह कट कर लें घर में ही, किसी को ना बुलाएं। बस मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरा किसी से भी मिलने का, बात करने का नहीं मन करता है। इसीलिए सोचे ना कि तू का जब 3 साल की होगी तब उसका मुंडन होगा, तो तब कर लें कुछ भी, क्योंकि अभी मेरा कोई मन ही नहीं है। इतनी टेंशन में कहाँ अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि केतू का, क्योंकि इतनी टेंशन में ना, मैं पता है उसे ज़्यादा खिलाती भी नहीं हूँ, कभी कभी लेती हूँ, बहुत ही प्यारी है। जो पुराने लोग हैं वो तो मिले हैं केतिका से, लेकिन जो अभी नए सब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो नहीं जानते होंगे, केतू केतिका मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है, बहुत ही क्यूट है। तो उसका बर्थडे है आज ही, अभी उसका आने वाला है अगस्त में 16 अगस्त को पैदा हुई थी वो। तो वही आज बात चल रही थी, तो विशाल भी हाँ बोल रहा था कि ठीक है, नहीं मनाते घर में ही, केक वेक कट कर भी लेंगे, केक वगैरह ले आएंगे और कुछ अच्छा बना लेंगे। तो बस उसका वही था कि कीतू का बर्थडे है, तो समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं तो चाहती ही नहीं, हाँ मेरे को जो भी कोई देख रहा है ना, मतलब पहले देखा है और फिर उसके बाद अब जो भी देख रहा है, तो हर कोई बोलता है कि मैंने अपने आप की मतलब खुद की हालत क्या बना रखी है, बहुत दुबली भी हो गई हूँ, क्योंकि अपने को मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, हमेशा देती थी बट हाँ अब नहीं दे पाती, मन ही नहीं करता है कुछ करने का, अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान देने का मन नहीं करता है। तो बट हाँ धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी हूँ और आगे भी संभालना है। तो यही था, और तो बस क्या बोलूँ उस मैटर में, तो मैं कोई बात नहीं करना चाहती। सोच रही हूँ ना ब्लॉगिंग फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, पर मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ बस। यहाँ पे भगवान जी हैं, पास में मंदिर है मेरे रूम में, तो यहीं पे मैं अपना बैठी रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी ना, तो पूजा तो मैं करती नहीं हूँ, बहुत टाइम से नहीं करती हूँ। शायद जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं नहीं करती थी, क्योंकि मैं भगवान से नाराज़ थी, इसीलिए मैं नहीं करती थी। उनसे नाराज़गी थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि कहते हैं ना भगवान ही सबका फ्यूचर लिखते हैं। तो मेरी नाराज़गी यही थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा, मेरे भाग्य ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि और किसी से तो मैं दोष नहीं दे सकती थी ना, भगवान को ही दूंगी। तो इसीलिए उनसे झगड़ा था मेरा, अभी भी चल रहा है भगवान जी से मेरा झगड़ा। तो देखो मेरी जीत होती है, भगवान जी जीतते हैं, मेरी और भगवान जी की लड़ाई है।
हाँ ऐसा नहीं है, दिल में है, मानती हूँ, बट थोड़ी सी नाराज हूँ। उनका जब कोई भी दिन आता है कोई भी, तो मैं व्रत भी रखती हूँ, बट हाँ फिर भी लड़ाई रहती है उनसे मेरी हमेशा। इस बार तो वो चल रहा है ना फास्ट वाला, क्या बोलते हैं इसको, सावन चल रहा है। हाँ मैं नहीं रही इस बार, मन ही नहीं है मेरा कुछ भी करने का, तो इसलिए मैंने व्रत भी नहीं रही। बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है, हाथ भी पूरा, मतलब फेस से भी पता चल रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। टेंशन है ना इसीलिए शायद। और बाल तो इतने झड़ रहे हैं, मेरे कभी बाल नहीं इतने नहीं झड़े, झड़ते थे लेकिन इतने नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि टेंशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पानी चेंज हो गया है तो इसीलिए हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी मैं शिफ्ट हो गई हूँ, सामने ही तो था, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, मतलब मेरे को टेंशन ही लगता है कि शायद टेंशन की वजह से बाल झड़ रहे हैं। और तो क्या बोलूँ, और तो खैर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। तो हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, सॉरी बोलना है मेरे को, एक चीज़ बोलना है कि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैं प्रूफ दूँ, जब मैंने दिया तो मैं उन लोग का वेट कर रही थी कि वो कुछ मेरे को उन्होंने देखा होगा तो फिर उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि वो लोग बोलते हैं, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बट नहीं, मैं एक्चुअली मैं वो भी चीज़ें नहीं दिखाती, वो भी जो, क्योंकि उसके बारे में बात कर चुकी थी वीडियो के बारे में। अच्छा वो लोग खुश हो रहे हैं कि वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में नहीं चलती हैं, तो उनको खुश हो वो, शायद उनके वकील ने या तो उनको प्रॉपर बयान नहीं दिया है कि एक सर्टिफिकेट लगता है उसके थ्रू आप कोर्ट में वीडियो ऑडियो सारी रिकॉर्डिंग चलती हैं, क्योंकि उस सर्टिफिकेट जो भी बनता है उसमें जांच होती है उसकी कि एडिटेड तो नहीं है, अगर एडिटेड नहीं होगी तो ज़रूर कोर्ट में चीज़ें चलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलती हैं। पर मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे सुनने में आया है कि वो लोग मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाना चाहते हैं, तो अब तो खैर मैं नहीं बंद करूँगी, अब तो कोई ताकत नहीं बंद करा सकती, क्योंकि एक यही मेरे पे सहारा या उम्मीद है। हाँ भी मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है अभी तक, अभी मतलब क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको कोई एक यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए, क्योंकि मेरे पढ़ना चाहती थी, जॉब चाहती थी, लेकिन पढ़ाई बंद करा दी थी, तो मेरे पास लास्ट जो ऑप्शन बचा था कि मैं घर में भी रहूं और मेरे को एक सेल्फ डिपेंड भी बन सकूं, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। पर हाँ अभी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, काफ़ी करीब हूँ सक्सेस के, बट हाँ अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ, और बस आप लोगों का प्यार चाहिए, शायद आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँ और सक्सेसफुल हूँ, तो बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा, आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो भी सुनता है, मिलने आते हैं, लोग बात करते हैं। हाँ मैं बहुत कम बात करना पसंद करती हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है किसी से भी बात करने का, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से भी बात ना करूँ, इसलिए मैं अंदर ही रहती हूँ, ये मेरा रूम है छोटा सा, भगवान जी हैं, तो मेरा मन नहीं करता है किसी से भी बात करने का, मैं घर में भी ज़्यादा किसी से नहीं करती हूँ, तो बस अभी हाँ धीरे धीरे खुद को संभाल लूँगी, एक साथ सॉरी, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहा है, मुश्किल भरे पल हैं, बट हाँ खुद को काफ़ी हद तक संभाल रही हूँ, पहले से तो बहुत कुछ संभाल पाई हूँ,
चीज़ें समझ भी आ गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ तो भगवान ने अच्छा सोचा होगा। मानती नहीं भगवान को, पर हम विश्वास रखती हूँ कि शायद कुछ तो अच्छा होगा। इतना बुरा मेरे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया। तो मुझे भी उम्मीद है कि भगवान मेरे साथ भी बुरा या गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन भी रहा ना, जैसे कि मेरी और मेरा जो पड़ोसी है जिसने मेरी शादी कराई, मेरी नहीं बनती थी, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करता था, बट मैं उस इंसान के लिए भी मैंने कभी गलत नहीं सोचा। बस तो मैं कभी अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं मैं गलत सोचा, दुश्मन तो खैर मेरा कोई था ही नहीं। हाँ, सामने वाला अगर कोई मेरे को दुश्मन मान रहा है तो उसके लिए भी मैंने कभी गलत नहीं सोचा। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं किसी के लिए बुरा या गलत नहीं सोच रही हूँ तो भगवान मेरे लिए इतना गलत नहीं करेगा, मुझे भरोसा है। और हाँ, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहती हूँ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का कहीं भी। मैं भाई बोल रहा था आज कि मैं वापस जिम ज्वाइन करूँ और निकलूँ घर से, पर मैं नहीं चाहती, अभी मेरा मन ही नहीं करता। मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे संभाल लूँगी, वक्त लगेगा लेकिन हाँ सब ठीक होगा। चलो, काफ़ी रात हो गई है गाइस, मैं भी सोने जा रही हूँ। बस ऐसे ही मन था कि आप लोगों से बात करूँ, तो मैं आ गई थी यूट्यूब पे, क्योंकि वैसे तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, तो यूट्यूब पे ही कर लेती हूँ आप सब से। तो केतु का बर्थडे आ रहा है, बस यही आज बात करने आई थी। वैसे मैं केतु का बर्थडे आ रहा है और मैं नहीं चाहती, लेकिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मेरा मन नहीं है। देखते हैं अभी घर में सबकी राय क्या है। मम्मी को तो बोला है, मम्मी तो हाँ बोल रही थी ठीक है, सचिन से और वंदना से भी पूछना, देखते हैं उनकी क्या राय है। क्योंकि अभी इतनी टेंशन में ना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी सेलिब्रेशन हो घर में। चलो भाई, बहुत रात हो गई गाइज, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट आप सबको, और आपका आने वाला जो कल का दिन है वो बहुत अच्छा गुजरे उम्मीद करती हूँ, और अपनी भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे भी आने वाले दिन अच्छे हों, भगवान करे हैं, शायद, पता नहीं। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि सब अच्छा हो, बस अब। चलो बाय गाइस, गुड नाइट गाइस।